वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड सरकार के मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी। भोक्ता साहब बहुत बहुत स्वागत है जी बिहार झारखंड के इस कार्यक्रम इमर्जिंग झारखंड बात झारखंड की सीजन टू में आपका। और आपसे बातचीत के लिए मेरे साथ रहेंगे हमारे झारखंड के रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता भी। मनीष जी मैं चाहूंगा आप भी अपनी तरफ से बहुत स्वागत करें हमारे माननीय मेहमान का। बिल्कुल रविंद्र, और क्योंकि हम कह सकते हैं कि इस कार्यक्रम का ये अब अंतिम पड़ाव की तरफ ये कार्यक्रम बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में अगर श्रम मंत्री के साथ तमाम विषयों पर बातचीत ना हो तो काफ़ी बेमानी होगी। मंत्री जी मेरा पहला सवाल आपसे यही है, हमने जो कोविड का जो फर्स्ट फेज आया था उसमें हमने देखा था कि बड़े पैमाने पर जो है प्रवासी मजदूर वो सड़कों पर आ रहे थे, ट्रेन के जरिए आ रहे थे, बसेस से आ रहे थे और अपने घर किसी भी तरह से लौटना चाह रहे थे। ये सेकेंड फेज भी हमने कोविड का देखा, इसमें भी उस तरह की तस्वीर तो देखने को नहीं मिली, लेकिन लोग काफ़ी चिंतित नज़र आए स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। दोनों में क्या अंतर आप देख रहे हैं और आपका विभाग कितना तैयार था, और जो श्रमिक हैं उसके लिए क्या क्या प्लान आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं धरातल पर ताकि उसे दिक्कत ना हो? देखिए 2020 फर्स्ट जो कोविड पूरे झारखंड में नहीं पूरे देश में जैसे पाँव पसारा जी, तो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार श्रम विभाग ने कंट्रोल रूम का गठन किया जी। क्योंकि झारखंड से विभिन्न जिलों से कई राज्यों में जाकर के लोग काम करते थे और 24 आवर्स दूरभाष पर बातें हो रही थी कि लोग कहाँ हैं, कैसे आएंगे, कहाँ रहेंगे जी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रत्येक स्टेट में नोडल पदाधिकारी IAS सीनियर का भी नियुक्त किए, और हम लोग पूरा 2020 में प्रयास किए कि जिस राज्य में जो मजदूर फंसे हुए हैं उसको अपने राज्य में लाना, घर तक पहुंचाना। माननीय मुख्यमंत्री दिशा निर्देश पर हम लोग झारखंड में पहला श्रमिक ट्रेन श्रमिक दिवस पर 1 मई को शुरू हुआ। इसके अलावा बस से भी हम लोग लाने काम किया, बगल में राज्य बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बस भेज करके हम लोग मंगवाने काम किया। उसके अलावा जो पहली बार ऐसा हुआ है झारखंड में कि जो लोगों को ट्रेन सुविधा नहीं मिली, बस की सुविधा नहीं मिली, उसको माननीय मुख्यमंत्री ने प्लेन से भी लाने काम किया, और घर पहुंचाने के साथ साथ सभी को खाने पीने की सामग्री जो होता है उसको पैकेट बना के हम लोग दिए। एक मंत्र है सरकार का कि जीवन के साथ जीविका को भी बचाना है, इस दौरान जो जीविका का नुकसान पहुंचा उसकी भरपाई राज्य सरकार के स्तर पर कैसे की गई, और अब जब धीरे धीरे ये कहें कि देश के बाकी हिस्सों में लॉकडाउन खुल रहा है, या हम बात अगर प्रदेश की करें स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जब ढील दी जाएगी आगे चलकर, और तो कैसे लोगों का जो कामकाज है वो पटरी पर वापस लौटे, इसको लेकर सरकार की तरफ से आपके विभाग की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, किया गया है? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे वित्त मंत्री जी का सभी का निर्देश है कि जीवन भी बचे या जीविका भी चले, इसके लिए राज्य सरकार ने सभी विभागों का निर्देश दिया है कि आप अपने स्तर से जो संसाधन है राज्य में सभी लोग काम चालू कीजिए, और जो लोग काम से जुड़ना चाहे उसको जोड़िए। तो अभी खासकर अपने जिला में बात करना चाहता हूँ कि मेरे जिला में कई सड़कें, कई पुल पुलिया, कई भवन के काम, कई तरह काम चल रहा है जिनमें सभी लोगों को हम लोग रोजगार से जोड़े हैं। श्रमिक थोड़ा शहर में दहशत फैलता है तो शहर में लॉकडाउन का असर रहता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चूँकि सब गरीब कमाने खाने वाला है इसलिए हम लोग उनको कोविड में भी काम देते रहे, सोशल डिस्ट में काम कराते रहे, विकास काम भी चलता रहा और अभी भी चल रहा है। और लॉकडाउन का धीरे धीरे हमको लगता है कि खासकर जो 15 जिलों में 2 बजे तक का जो ओपन है तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका धीरे धीरे असर खत्म हो रहा है, सभी लोग काम में जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और पूर्व में जो 19-20 की जो स्थिति थी सामान्य स्थिति, उस स्थिति में धीरे धीरे लोग चलने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोविड का असर खत्म हो गया है और ओपन सब बिना मास्क घूमना शुरू कर दे, शहर जाना शुरू कर दे। इसके लिए हम लोग सावधानी बरत रहे हैं, सबको प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, और अभी जो खासकर कोविड का जो टीका चल रहा है
तो कोविड का टीका लेने के लिए हम लोग जगह जगह पर सभा शुभ केंद्र में किसी स्कूल में कोई महुआ का पेड़ था, हम लोग सभी को इंजेक्शन भी शिविर लगाकर दिवा रहे हैं। बहुत लोग अफवाह फैला दिया गया था कि इंजेक्शन लेने से लोग को बुखार लग जाता है, डेथ हो जाती है, तो इस तरह अफवाह था। तो गांव में लोग अशिक्षित लोग हैं, बहुत लोग डरते हैं कि नहीं हमको कुछ हो, न कोविड हुआ है न कुछ बुखार है, तो हम इंजेक्शन क्यों लेंगे। लेकिन गाँव में सर्दी खांसी है, बुखार भी है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सभी को समझाने के बाद लगभग लोग टीका ले रहे हैं। क्योंकि मंत्री जी आपने टीकाकरण का जिक्र कर दिया है, मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। इस बीच हमने देखा कि जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि ग्रामीण इलाकों में कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई है, तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के द्वारा जो एक मैसिव ड्राइव शुरू किया गया टेस्टिंग को लेकर के, उसमें ये भी पाया गया कि सिर्फ कोविड ही नहीं, बड़े पैमाने पर लोगों को टीबी की भी शिकायतें मिल रही हैं, किसी को हर्ट की शिकायतें, उसका भी जो एक डेटा बैंक है वो तैयार हो गया है। लेकिन अभी भी चुनौती सरकार के सामने ये है कि जो प्राथमिक स्तर पर जो इलाज होना चाहिए उसके लिए बुनियादी सुविधाओं का कमी है, साथ ही साथ राजधानी से लेकर के ज़िलों में और ज़्यादा सुविधाओं देने की बात हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस लेवल में सरकार के लेवल पर आप लोग एक बड़े लेवल पर तैयारी कर रहे हैं ताकि नीचे से लेकर ऊपर तक जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप लोग मजबूत कर रहे हैं? ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए हैं कि हर एक जिला में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, तो हर सदर अस्पताल में काम शुरू भी हो गया है, बेड की भी व्यवस्था हो गई है। पहले बेड भी मतलब असर नहीं था तो लगभग धीमे गति से चल रहा था, बेड भी लग गया है। और प्रखंड स्तर पर जो भी स्वास्थ्य उप केंद्र है पंचायत स्तर पर, उसको भी हम लोग रंग पेंट जहाँ नहीं था नया भवन सब बनाने काम कर रहे हैं। और तीसरा भी लहराने वाला है, तो उसका भी राज्य सरकार ने तैयारी कर दिया है, चूँकि फिर आपदा के घड़ी में हम लोग को भाग दौड़ करना नहीं पड़े, तो हम लोग उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। और खासकर अपने जिला में भी हम लोग पूरा लगे हुए हैं कि यहाँ पर कोई आपदा भी नहीं मचे, वहाँ जो पहले जो स्थिति थी उससे ज़्यादा बेहतर हम लोग काम किए। और खासकर सरकार जैसा ही गठन हुआ 2020 में फरवरी मार्च में तो पूरा कोविड का प्रकोप हो गया, तो राज्य सरकार के पूर्ण रूप से संपूर्ण विकास के लिए काम करने का मौका भी नहीं मिला। चूँकि जैसे सरकार बने तो हम लोग कोविड को निपटने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, बचने के लिए, इसी में हम लोग को समय लगभग 17 महीना पार हो गया है। अब धीरे धीरे लग रहा है कि इसका असर 70% झारखंड में समाप्त हो चुका है, जो 30% है उस पर हम लोग लगता है कि इसमें काबू राज्य सरकार पा लेगी, तो फिर बेहतर तरीके से चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सिंचाई के क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र है, तो हर स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर राज्य में विकास का काम होगा। आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ ही एक मेरा सवाल ये है, केंद्र सरकार ने भी एक कौशल विकास मंत्रालय ओपन किया, बनाया, उसके मंत्री बाकायदा काम कर रहे थे, उनको लेकर सवाल भी उठे, कहीं उपहास भी उड़ाया गया। मैं समझना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार का जो कौशल विकास मंत्रालय है और जो राज्य सरकार का कौशल विकास मंत्रालय है, उसको हम अलग अलग कैसे माने, उनकी भूमिका को अलग रूप में कैसे देखें। और इसी से जुड़ी एक चीज़ ये कि जब से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनी है, तभी से आपदा और विपदा ये शुरू हो गई है, तो ये कितनी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है अपने मंत्रालय में काम करने के जरिए? कौशल विकास जैसे ही मुझे पास प्राप्त हुआ, उसके बाद जो ऐसे कोविड चल रहा है जी, तो जो कौशल विकास जो ट्रेनिंग सेंटर जो चलता था लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, जैसे नर्स का ट्रेनिंग कराना है, ड्राइवर का ट्रेनिंग कराना है, मतलब जो जिसका जो इच्छा ट्रेनिंग करे, उसके बाद उसको हम रोजगार मेला लगा करके उसको प्लेसमेंट करेंगे, रोजगार देंगे। लेकिन मुझे तो इसमें को काम करने का मौका मिला नहीं, चूँकि तो कोविड चल रहा है, तो स्किल डेवलपमेंट में अभी तक मतलब कोई काम अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन हम लोग करने का प्रयास, जब ओपन हो जाएगा, जब स्किल का जो ट्रेनिंग वगैरह शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम लोग बेहतर काम करेंगे, ताकि यहाँ के जो इतने बेरोजगार लोग हैं उसको ट्रेनिंग दे करके लोग रोजगार से जोड़ने काम करेंगे। और जो भारत सरकार का जो उद्देश्य है, वही उद्देश्य राज्य सरकार का है कि मिल करके लोगों को रोजगार से जोड़ना, प्रशिक्षण देना, हाथ का हुनर तैयार करना, चाहे सिलाई मशीन को काम सीखना, चाहे सिलाई मशीन के लिए उसको सिलाई की ट्रेनिंग देना। जिस जगह से रिप्रेजेंट करते हैं, जनप्रतिनिधि हैं माननीय मंत्री जी, वो बिल्कुल बिहार के नज़दीकी, बिहार से बिल्कुल सटा हुआ है, लगा हुआ है, ये राजनीतिक सवाल ना समझते हुए इसको आप झारखंड के युवाओं के हित में सवाल समझिएगा।
बिहार में एक पूर्व मुख्यमंत्री जी की तरफ से अभी मांग उठ रही है कि जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, ये बिहार के लिए मांग है। मैं उसके बाद ये जो आपकी पार्टी जो बिहार में काम कर रही है आरजेडी, उनकी तरफ से भी यही है कि इस मांग का समर्थन किया जा रहा है। झारखंड के बेरोजगारों को आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया जाएगा, इस मंच के जरिए क्या भरोसा उनको देना चाहेंगे? देखिए, झारखंड में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय घोषणा किया था कि सभी को हम लोग 5,000, 6,000, 7,000 रुपया हम लोग प्रोत्साहन राशि देंगे, भी हम लोग करीब की ओर हैं। जितने लोगों का जो नियोजनालय में नाम है सभी हम लोग 6,68,000 हम लोग प्रोत्साहन राशि देने जा रहे हैं, बहुत जल्द मिलेगा। इस पर पूरा होमवर्क हो गया है और कैबिनेट में भी हो गया है। हम लोग झारखंड में जो कमिटमेंट किए थे उसको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। हाँ, सत्यानंद भोक्ता जी, देखिए अब एक चीज़ ये भी समझनी ज़रूरी यहाँ पर हो जाती है, जिस तरह से केंद्र और राज्यों के बीच में, न सिर्फ झारखंड की हम बात कर रहे हैं बल्कि अलग अलग अगर हम पश्चिम बंगाल को देखते हैं, हम राजस्थान को देखते हैं, पंजाब को देखते हैं, तो इस दौरान तलखियां भी निकल कर सामने आई कोविड से निपटने के लिए, चाहे वो सहायता की बात हो या और फंड्स की बात हो, एड्स की बात हो। तो ये जो इस दौरान संबंध रहे केंद्र और राज्य के बीच में, आप इसको लेकर क्या समझते हैं? क्या इनको और बेहतर किया जा सकता था? कहाँ कमी, कहाँ चूक हुई है? नहीं, देखिए, भारत सरकार के पास जो संसाधन है वो अपना राज्य सरकार के सहयोग करे, और राज्य सरकार के पास जो भी संसाधन है सीमित संसाधन, उसमें झारखंड में अब देखिएगा तो यहाँ पर कोविड में खासकर बेहतर काम हो रहा है। राज्य सरकार, भारत सरकार सहयोग जो दे रहा है तो दे ही रहा है, लेकिन हम अपने स्तर से राज्य को, आम लोगों को कैसे राहत दे सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रोएक्टिव हैं। 24 घंटा इसके लिए हर लोगों से राय लेते रहते हैं और काम करते रहते हैं, और हम लोग जो सोचते हैं माननीय मुख्यमंत्री करते हैं। तो बिल्कुल, जो सोचते हैं वो आपका कहना है कि जो फीडबैक आप लोग देते हैं उसका एग्जीक्यूशन होता है स्टेट गवर्नमेंट में। लेकिन इस बीच मंत्री जी एक इम्पॉर्टेंट जिक्र करना चाहेंगे, एक सवाल ये है कि हमने देखा रविंद्र कि झारखंड के अलग अलग हिस्सों में कई तरह के जो वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने को लेकर के कई जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग फॉर्मूले को का इजाद किया और उसका उन्हें लाभ भी मिल रहा है, मतलब उस क्षेत्र में वैक्सीनेशन की जो गति है वो बढ़ी है। ऐसे में हमने देखा कि चतरा में आपने एक इनोवेटिव पहल की कि वैक्सीनेशन जिस पंचायत में ज़्यादा होगा 100% होगा उसके लिए एक पुरस्कार राशि की आपने घोषणा की। क्या है ये प्लान और इसका कितना लाभ मिल रहा है अभी तक आपको? देखिए, हमने स्पष्ट कहा कि जो पंचायत 99% टीकाकरण करवा देगा उसको हम विधायक मत्स्य विकास के लिए 20 लाख रुपया देंगे। मुखिया जहाँ चाहे जो भी काम चाहे उनके इच्छानुसार काम किया जाएगा। जो पंचायत सेकेंड करेगा 90% टीकाकरण करवा देगा उसको हम 15 लाख रुपया देंगे। जो 80% पहुँचेगा उसको हम 10 लाख रुपया देंगे। जो मुखिया बढ़ चढ़ के काम लेगा, 10-5 टीकाकरण में पीछे रह गया उसको भी 5 लाख रुपया देंगे। इसलिए सभी लोग कंपटीशन में लगे हुए हैं कि हमारा पंचायत फर्स्ट करे, हमारा पंचायत सेकेंड करे। तो मेरे जिला में खासकर टीकाकरण में बेहतर चल रहा है, कोविड में बेहतर चल रहा है। हमारा जिला अभी सबसे एक नंबर में चल रहा है क्योंकि वहाँ कोविड के पेशेंट लगभग हम लगता है कि जीरो हो चुका है। जी, बिहार झारखंड की इस मुहिम को किस रूप में देखा जा रहा है, माननीय मंत्री इस को कैसे देखते हैं? क्योंकि इमर्जिंग झारखंड सीजन 1 में हम ग्राउंड पर उतरकर हर ज़िले में गए थे और अब कोरोना का पालन करते हुए, उनकी गाइडलाइन प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए हम पूरा ये आयोजन ई कॉन्क्लेव के जरिए किया है। आप की इनसे हम चाहेंगे आप इनसे ज़रूर पूछें। हाँ बिल्कुल रविंद्र, और मंत्री जी रविंद्र भी ये समझना चाह रहे थे और हम लोग का भी ये सवाल ये था कि ये जो संकट का वक्त है, ये चाहे कोविड के फर्स्ट वेव की बात करें या सेकंड वेव की बात करें, इस वक्त में हर लोगों ने आगे बढ़ कर के अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाए हैं और इसी जिम्मेदारियों के तहत जी परिवार की तरफ से, जी बिहार झारखंड की तरफ से इमर्जिंग झारखंड सीरीज़ की शुरुआत की गई, जिसमें हम जनता और सरकार के बीच में एक ब्रिज का काम करते थे ताकि उनकी बात सरकार तक पहुँचे और सरकार जो योजनाएँ चला रही हैं लोगों को राहत पहुँचाने के लिए वो आम लोगों तक पहुँचे। इस पहल को आप किस तरह से देखते हैं और ये आपको कि सीजन 2 है, यानी कि कोविड के सेकंड फेज में हम सीजन 2 लेके आए हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देश में, प्रदेश में सभी लोग तो टीवी अखबार सब देखते हैं, खासकर आपका जो चैनल है जी बिहार झारखंड, ये
जन जन तक संदेश पहुंचता है और आपके जितने इसमें संवाददाता हमारे हैं, कर्मी हैं, सभी को मैं अपने ओर से एंकर हैं, एडिटर हैं, सभी को अपने ओर से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि शहर छोड़ करके गांव में भी आप लोग कुछ करते हैं। और जो गांव की जो चाहे कोविड नहीं चाहे जो भी मूलभूत समस्या हो उसको आप दिखाने काम करते हैं और सरकार उस पर एक्शन लेती है, काम करती है और जनता इसमें और बेखूबी खुश होता है कि चलिए कोई नहीं सुन रहा था, टीवी वाले भैया आए तो हमारा समस्या सुने तो सरकार एक्शन में आई, अधिकारी एक्शन में आए, मंत्री एक्शन में आए तो हमारा लाभ मिला। तो आप लोगों को हम बहुत बहुत अपनी ओर से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये चैनल में लगातार हम जुड़े हुए हैं और जहाँ जहाँ कार्यक्रम होता है तो हम भाग लेते हैं और हम भी लगातार न्यूज जो है देखते रहते हैं प्रदेश और प्रदेश का इस चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, हम आपका करना चाहेंगे, आपने समय निकाला और हमारे साथ जुड़कर तमाम सवालों के जवाब दिए और झारखंड के लोगों को जो आपने जवाब दिए हैं, जो आश्वासन दिया है, जो भरोसा दिया है, उससे हम ये समझते हैं कि सरकार जिस तरह से आगे बढ़ रही है, तीसरी लहर की तैयारी कर रही है और दूसरी लहर से निपटने और उभरने की पूरी कोशिश कर रही है, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। आगे ये भरोसा प्रदेश की जनता को कि ये सीजन टू है और ये इमर्जिंग झारखंड है, ये लगातार जी बिहार झारखंड की तरफ से झारखंड और बिहार में इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। मनीष जी बिल्कुल रविंद्र, और क्योंकि सीजन वन में भी हमने काफ़ी काम किया था और सीजन टू की शुरुआत भी हम कह सकते हैं कि बेहद ही शानदार रही है। न सिर्फ झारखंड के मुख्यमंत्री बल्कि पूरी कैबिनेट, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, सभी लोग इस मंच के जरिए जो जनता के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, राहत पहुंचाया जा रहा है, उसको लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही साथ जनता से जो जुड़े मुद्दे थे वो हमने सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की है। लेकिन इसके बाद क्या, हमारे CEO पुरुषोत्तम वैष्णव सर का एक मैसेज है रविंद्र जो हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि इस यहाँ पर एक अंत नहीं होता है, यहाँ से एक शुरुआत होती है, क्योंकि जीवन तो सरकार ने बचाया है लेकिन इस मुहिम में जी बिहार झारखंड लगातार सरकार के साथ हर फोरम पर खड़ा रहेगा, मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, जनता से जुड़े समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का काम करेगा और इस सीरीज के जरिए हम झारखंड के हर एक उस सुदूरवर्ती इलाकों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे जहाँ पर हम कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ काम करने की ज़रूरत है। हमारी कोशिश होगी कि पिछले बार हम जिले लेवल पर गए थे, इस बार हमारी कोशिश होगी कि एक इनोवेटिव पहल के तहत हम वैसे इलाकों में जाएं, दुर्गम इलाकों में जाएं जहां सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है, चाहे वो नक्सल प्रभावित ही क्यों ना हो, हमारी कोशिश होगी कि हम वैसे जगहों पर जाकर के एक बड़े आयोजन करें और वहां पर जनता और सरकार के बीच में सीधा संवाद किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनीष मेहता एक बार फिर से और बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी। तो ये इमर्जिंग झारखंड सीजन टू में साफ तौर पर हमारी तरफ से यही कोशिश कि ना सिर्फ इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की बात आप तक पहुंचाएं, ना सिर्फ इस पूरे कॉन्क्लेव के जरिए, इस पूरी मुहिम के जरिए हर विभाग के मंत्री की बातें आप तक पहुंचाएं, बल्कि जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं जिन्होंने जिम्मेदारी इस दौरान बखूबी निभाने की कोशिश की और इस चुनौती को उन्होंने हाथों हाथ लेते हुए लोगों को राहत देने की कोशिश की, तो जितने भी मंत्रालय रहे इस दौरान सबके हमने मुखियाओं से बात करने की कोशिश की, आप तक तमाम बातें रखने की कोशिश की और उम्मीद और भरोसा यही है कि सरकार आगे चलकर प्रदेश की जनता के हित में काम करेगी। हमें यही पूरा भरोसा कोशिश है कि सरकार केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी, भले ही कुछ खटास या कुछ दूरियां जरूर इस दौरान आई हो लेकिन इन दूरियों को मिटाया जाएगा, क्योंकि हमेशा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यही कोशिश होती है कि वो कंस्ट्रक्टिव राजनीति करें और कंस्ट्रक्टिव अपने प्रदेश के जनता के हितों में काम करें, यही संदेश है। लेकिन एक संदेश और है, संदेश वो ये है जो कि हमारे इस कार्यक्रम के, हमारे इमर्जिंग झारखंड बात झारखंड की सीजन टू के को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर है झरना गोल्ड, उनकी तरफ से एक संदेश है सरकार के लिए, प्रदेश की जनता के लिए। मैं चाहूंगा उस संदेश को आप लोगों तक पहुंचा दूं। दरअसल रामेश्वर फूड प्रोडक्ट्स माननीय चीफ मिनिस्टर, सम्मानीय अतिथि वर्ग और जी बिहार झारखंड को इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। हर झारखंडवासी को इस कोविड परिस्थिति में सावधान और सतर्क रहने के लिए रामेश्वरम फूड प्रोडक्ट्स की तरफ से सूचित किया जाता है। हर एक व्यक्ति से हार्दिक अनुरोध किया जाता है कि मास्क पहनिए, सामाजिक दूरी बरकरार रखिए और समय आने पर अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। हम लोग विश्वास रखते हैं बहुत जल्दी इस कोरोना स्थिति से निकलकर स्वस्थ स्वाभाविक जीवन में पदार्पण कर सकेंगे। सबके लिए स्वास्थ्य और सेहत के प्रति
अधिक ध्यान देना जरूरी है। अच्छा खाना और मानसिक रूप से खुश रहना भी बहुत जरूरी है। स्वाद और स्वास्थ्य के लिए झरना गोल्ड राइस आप लोगों के साथ सदा सर्वदा मौजूद है। तो ये संदेश को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर झरना गोल्ड की तरफ से। इसी के साथ जी बिहार झारखंड में हमारे ये सीरीज, हमारे कार्यक्रम इमर्जिंग झारखंड बा झारखंड की सीजन 2 का समापन होता है। लेकिन ये भरोसा आपको दिलाते हैं, बहुत जल्द हम बिहार राज्य में किस रूप में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर निपटने की तैयारी और उभरने की तैयारी की जा रही है, इसको लेकर हम ई कॉन्क्लेव बिहार विमर्श कोरोना से आगे की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इतना ही। आप बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।